हाउ टू फिक्स जियो आउटगोइंग कॉल नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। तो यदि आपका भी जियो सिम में आउटगोइंग कॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, आउटगोइंग कॉल जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कॉल एंडेड बताता है या फिर बिजी या फिर जो भी बताता है, आउटगोइंग से रिलेटेड आपका जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है आपकी जियो सिम में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसे सॉर्ट आउट कर सकती हो, कैसे आप उसे फिक्स कर सकती हो। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो के अंत तक आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कम से कम 5 या 6 सेटिंग्स बताऊँगा जिसके मदद से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा, साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे सबसे पहला आपको क्या करना है, अपना मोबाइल को एक बार एयरप्लेन मोड जो है ऑन कर देना है। एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद में मोबाइल को एक बार आप स्विच ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका सिम जो है उसे आप जो है निकाल लीजिए, रिमूव कर लीजिए। सिम रिमूव करने के बाद में आप उसे फिर से आप इंसर्ट कर लीजिएगा, सिम को घुसा दीजिए। घुसाने के बाद में अपना मोबाइल को स्विच ऑन करके एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप एक बार चेक करके देखिए कि आपका आउटगोइंग कॉल काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ये करने के बाद में 50% प्रॉब्लम जो है मोबाइल का सॉल्व हो जाता है सिम से रिगार्डिंग, ठीक है। ये से इससे आपका काम कर जाता है, सही बात है, काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको क्या करना है मैं बताऊँगा। यहाँ पर आपको सेटिंग पर आने के बाद में डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क आपको शो कर रहा होगा, या फिर आपके मोबाइल में सिम मैनेजमेंट या फिर मोबाइल नेटवर्क, ये तीनों में से एक आपको शो करेगा। बेसिकली आपको सिम में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यदि आपका 2 सिम है तो जिस सिम में आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो सिम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है करियर सेटिंग पे, ठीक है। आपको शायद करियर कॉल सेटिंग आपको शो होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च या फिर ऑटोमेटिक सेलेक्ट आपका आएगा, इसे आपको बंद कर देना है। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये बंद करने का क्या होता, क्या मतलब होता है कि अभी यहाँ पर जो है हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके रखा था, अभी यदि हम इसे बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे नेटवर्क जो है वो मैन्युअली यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो यदि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क कम होने की वजह से या फिर नेटवर्क शो नहीं होने की वजह से आउटगोइंग प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो केस में आपको ये करना है, ठीक है। यदि आपका नेटवर्क वगैरह सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वोडाफोन सेलेक्ट करके कीजिए, रिलायंस सेलेक्ट करके कीजिए, इंडिया एयरटेल सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपका आउटगोइंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, सेलेक्ट करने के बाद में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद में आपका सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया बात है, यदि नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। चलिए उसके बाद में दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है यहाँ पर देखिए, हर मोबाइल में ये सेटिंग शायद आपको ना देखने के लिए मिले। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल में सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है, या फिर आपके मोबाइल में मोर सेटिंग आपको शो होगा। उसके बाद में आपको बैकअप एंड रीसेट पे जाना है, ठीक है। दोस्तों लोकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके मोबाइल में शायद लोकेशन इधर उधर हो सकता है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे चले जाइए। अभी यहाँ पे आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली दिखाई दे रहा है, यानी कि ये करने के बाद में क्या होता है कि यदि हमने अपना नेटवर्क में कुछ छेड़खानी करके रखा है, सेटिंग उलट पुलट करके रखा है, तो क्या होता है कि ये कंपनी का जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है उसी में ये सेट हो जाएगा। तो आपने यदि आपका सेटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होके रखा है, छेड़खानी होके रखा है, तो तब क्या होता है कि डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगा और आपका सारा नेटवर्क सेटिंग भी आपका रीसेट हो जाएगा, तो वो केस में आपका आउटगोइंग कॉल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आपका पासवर्ड है तो ये आपको पासवर्ड भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपका सारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। इससे दोस्तों आपका डाटा वगैरह बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको अपने मोबाइल में ये रीसेट सिस्टम सेटिंग शो नहीं हो रहा है, आपके मोबाइल में ये फीचर नहीं दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉल सेटिंग जो है आपको रीसेट करना होगा वो केस में, ठीक है। कॉल सेटिंग में आपको चले जाना है, सबसे पहले सेटिंग में चले जाइए और आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ से हमें अपना कॉल सेटिंग जो है वो रीसेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कॉल सेटिंग्स में। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पे कॉल मैनेजमेंट में आपको जाना है, या फिर आपको कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली आपको यहाँ पे लोगो जो दिखाई दे रहा है डायल बटन का, इसको देख के आपको पहचान लेना है कि कौन सा सेटिंग में हम जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको लोकेशन इधर उधर हो सकता है, सबसे पहले आपको इसे फोर्स स्टॉप कर देना है, फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा। उसके बाद में बैक आइए, स्टोरेज यूसेज पर चले जाइए, क्लियर डाटा में क्लिक करके इसे क्लियर कर दीजिए। ये क्लियर करने के बाद में दोस्तों बैक आना है आपको, बैक आने के बाद में दोस्तों अपना मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद में आप अपना आउटगोइंग कॉल चेक कीजिएगा, किसी को भी कॉल करके चेक कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होके रहेगा, ठीक है।
यदि दोस्तों इससे भी नहीं होता है, अभी फाइनल ऑप्शन क्या है, फाइनल ऑप्शन आपके पास दो है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट, यदि आपके पास फ़ोन में अपडेट आया हुआ है तो इसे आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी सॉफ्टवेयर के अंदर में हमारा एंड्रॉयड वर्जन के अंदर में कॉल सेटिंग्स के रिगार्डिंग भी हमें अपडेट आता है, तो उसी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकता है। यदि आपको यहाँ पे अपडेट शो कर रहा है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट करने के बाद में आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। यदि दोस्तों फिर भी आपको कॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप लास्ट क्या उपाय कर सकते हैं कि अपना टेलीकॉम कंपनी को, अपना सिम कंपनी को आप कॉल कीजिए कस्टमर केयर को, और उनको बताइए कि आप ऐसा ऐसा प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कभी कभी टेक्निकल इश्यू या फिर सर्वर डाउन होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो केस में आपको कस्टमर केयर से ही बात करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका प्रॉब्लम जितना भी था वो आप समझ चुके होंगे, और कैसे फिक्स करना है आप फिक्स कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।